मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियाँ आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं, इस बारे में हम लोगों को सोचने का समय आ गया। और सोचना हो, आज केजरीवाल पर हमला हुआ, उनको जेल में भेजा, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा, और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे MLA हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। यह एक्शन संविधान पर हमला है, यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर राजनीति की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे, मैं कोई ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे, वहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट भाजपा और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए, उनका डिफीट करिए, और देश के सामने आप गलत रास्ते पर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है, इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं वो दीजिए। इससे मैं कहता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।